हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज से हमारी स्टडी स्टार्ट होने वाली है NTA नेट दिसंबर 2018 के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि हम स्टडी किस तरह से करवाएँगे, यानी कि स्टडी करवाने का हमारा तरीका क्या रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारा जो स्टडी करवाने का तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा, यानी कि जो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले करते हैं उससे थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि तरीका वो क्या होगा। तो मैं ये आपको बता दूँ कि हमारा जो तरीका होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी ओल्ड पेपर आए हैं UGC नेट के अंदर, हम उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, और ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन हैं UGC नेट पूछता है और किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अभी हमारा जुलाई 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उसके अंदर से 18 क्वेश्चन ऐसे थे, पेपर फर्स्ट के अंदर 50 में से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिट्टो कॉपी बिल्कुल रिपीट हुए थे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं और नीचे भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो हम यही करेंगे, हम पेपर फर्स्ट के अंदर हर एक टॉपिक को, जैसे कि रिसर्च हो गया, अपना कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग हो गया, यानी कि जितने भी अपने सब्जेक्ट आते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर, उन सभी को हम एनालाइज करेंगे कि आज तक किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चन हैं वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। करीब ये आप मान के चले कि हर एक सब्जेक्ट में 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार उनके बारे में पूछा जाता है। तो हम उन क्वेश्चन को अलग निकालेंगे, ठीक है, और उनकी फिर बारीकी से हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से समझेंगे कि अगली बार ये बंदा किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्टडी करने का तरीका रहेगा। और दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे, आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की स्टडी इस तरह से करोगे, तो पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका जो है अब की बार नेट प्लस GRF हो सकता है। और दोस्तों अगर आप रियल में अगर आप नेट प्लस GRF लेना चाहते हैं तो आप हमारी PDF है वो ले सकते हैं, जिसके अंदर हमने 2012 से लेके 2018 तक के क्वेश्चन पेपर हैं वो सेपरेट टॉपिक वाइज हमने अलग अलग किए हुए हैं, अलग अलग हमने PDF बनाई हुई है। जैसे कि रिसर्च के अंदर आज तक किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। हमने अलग अलग बना रखी है, जैसे कि टीचिंग की अलग है, कम्युनिकेशन की अलग है, सभी टॉपिक की अलग अलग है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे YouTube चैनल पे भी करवाऊँगा, वीडियो के ज़रिए करवाऊँगा कि टीचिंग के अंदर आज तक कौन से क्वेश्चन 14 से 15 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं और जुलाई 2018 में कौन से रिपीट हुए थे, तो उनको हम अच्छे से ध्यान से एनालाइज करेंगे जिससे हमारा नेट अच्छे से हो सकेगा। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि हमारी ये जो PDF है इसकी कुछ सामान्य कॉस्ट हो सकती है। दोस्तों अगर किसी को वो हमारी PDF चाहिए तो वो हमसे PDF ले सकते हैं। उस PDF का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप वो PDF ले सकते हैं। और उस PDF में आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी जानकारी मैंने उस लिंक के अंदर दी हुई है, तो आप प्लीज़ एक बार उस लिंक को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल फ्री में सब कुछ देखना चाहते हैं, 2008 से लेके 2018 तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट nimmyg.net को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप बहुत सा मटेरियल ले सकते हैं। जैसे कि आप पेपर फर्स्ट के अंदर स्टडी नोट्स है वो ले सकते हैं, पेपर फर्स्ट के अंदर बेस्ट बुक कौन सी है वो वहाँ पे देख सकते हैं, पेपर सेकंड के अंदर आपका जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है उसकी बुक वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो हमारी पूरी प्लानिंग की वीडियो थी कि हम किस तरह से स्टडी करवाएंगे और किस तरह का हम मैटर आपको प्रोवाइड करवाएंगे इसके बारे में था। ठीक है, हम जैसे कल स्टार्ट करने वाले ICT स्टार्ट करने वाले हैं कि ICT में किस तरह के क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को हम अच्छे से ध्यान से करेंगे।
आईसीटी के बाद में जैसे हमारा रिसर्च आएगा, रिसर्च के अंदर हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और हर एक टॉपिक पे करीब ये मान के चलो कम से कम 6 से 7 वीडियो बनेगी, क्योंकि हमें ध्यान से देखना है, पूरा अच्छे से उसे एनालाइज करना है, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। और दोस्तों हम जो स्टडी करवाएंगे आपको, एक तो जैसे वीडियो के ज़रिए करवाएंगे, और उसके अलावा जो भी पीडीएफ वगैरह होगी, जो इमेज वगैरह होगी, फ़ोटो वगैरह होगी, वो सारा का सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कर लीजिए। हमारी कल की जो वीडियो आने वाली है आईसीटी के बारे में, तो उसका जो स्टडी मटेरियल है वो उसी चैनल के ऊपर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर से, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।